नमस्कार, स्वागत है आपका एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज में। पेश है बॉलीवुड की ताजी सुर्खियां। बी टाउन में दिवाली का जश्न धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर को बी टाउन की न्यू मॉमीज प्रियंका चोपड़ा और सोनम कपूर ने भी अपने बच्चों संग मनाया और अडोरेबल तस्वीरें शेयर की हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की एक सोल ट्रांसफर कंसेप्ट पे बेस्ड फिल्म को मेकर्स ने होल्ड पर रख दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो इसके पीछे की वजह है कि इस कंसेप्ट में कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। हाल ही में एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने पेपराजी को अप्रिशिएट करते हुए एक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि वह त्योहार सेक्रीफाइस कर अपना काम करते हैं। बीते हफ्ते डेंगू होने के कारण सलमान खान शूटिंग नहीं कर पाए थे, जिसके चलते बिग बॉस का वीकेंड कवार करण जौहर ने होस्ट किया था। मगर अब आपको बता दें कि सलमान की रिकवरी हो गई है और आने वाले एपिसोड में फोन भूत की कास्ट भी नजर आएगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस लंबे समय से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसी हुई हैं। बीते दिनों मामले के मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने मंडौली जेल से अपने वकील को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सुकेश ने जैकलीन को निर्दोष बताया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉलो अवर चैनल एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड वेबसाइट।